नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं अपनी बेबाक बयानों और अपनी साफ गोई से हमेशा चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ के आबकारी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा। कवासी जी, बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। कवासी जी, 2 साल पूरे करने जा रही है सरकार। विगत 2 वर्षों में आपके विभागों से संबंधित क्या क्या उपलब्धियां रही, जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। हमारे 2 साल पूरा होने से विभाग में पिछले 2019 में हम लोग 50 दुकानदारों का बंद करवा दिया। इस साल 49 बार का दुकान बंद करवा दिया आबकारी विभाग ने, और उद्योग विभाग में हम लोग बहुत सारे काम किया है। हर बुला हेडक्वार्टर में, हर तहसील में हम लोग जमीन एकत्रित कर रहे हैं। फुट पर सभी ब्लॉक में हो, वहां के रोजगार मिले। आज बहुत कोरोना का समय भी छत्तीसगढ़ में उद्योग में सिर्फ 1-2 महीना छोड़कर पूरा छत्तीसगढ़ में उद्योग अच्छा चला है, अभी भी बढ़िया है। और हम लोग नीति बनाए हैं कि बस्तर में कोई उद्योग लगेगा उसको 100 रुपया लगाएगा, 150 रुपये मिलेगा। वहां के बस्तर के लोगों को रोजगार देना है, सरगुजा के लोगों को रोजगार देना है, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देना है। 100% लोग स्थानीय होगा, उद्योग नीति के उद्योग अंतर्गत नीति के लिए। हम लोग धान यहाँ पर बहुत पैदा होता है, उत्पादन होता है। एथल का उद्योग, डीजल पैदा करने का उद्योग भी लगाने का हम लोग प्लान तैयार है, वो जल्दी लगने वाला है, बायोएथेनॉल। बायोएथल का। तो ये इस प्रकार छत्तीसगढ़ के सरकार, भूपेश बघेल के नेतृत्व के सरकार, कांग्रेस पार्टी का सरकार, उद्योग विभाग में हम लोग बहुत काम आगे बढ़ चुका है, और जल्दी इसको इंतजामला पहनाना है उद्योगपति लोगों को, और सरकार चाहे उस वर्ग के हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, कोई सब लोगों को अलग अलग छूट दिया हुआ है। अगर सामने आएंगे, सरकार पानी देंगे, जमीन देंगे, लाइट देंगे, छत्तीसगढ़ में कोई कोताही नहीं बरतेंगे, क्योंकि आज बढ़ते जनसंख्या में बहुत बेरोजगार, अभी हम लोग को 25 पता चला है लॉकडाउन में यहाँ के लोग बहुत पलायन किया थे। हमारे बस्तर के लोग गोवा, तमिलनाडु, ये सारे जगह जाके आपस आए, उस समय पता चला कि हमारे बस्तर के भी, हमारे छत्तीसगढ़ के भी, चाहे बलौदा बाजार हो, चाहे महासमुंद हो, इस क्षेत्र में भी बहुत पलायन होता है। सभी जगह के लोग गए हाँ, होते इसलिए हैं। हम लोग इसका पलायन रोड मैप तय किया है। अभी कितना उद्योगपति सामने आएंगे, सरकार तरफ खुला दरवाजा है। आबकारी विभाग की बात करें, शराबबंदी आपके एजेंडे में था, लेकिन विपक्ष हमेशा इस बात को लेकर गहमागहमी मचाता रहता है कि लॉकडाउन में भी शराब बेची गई, जो ऑनलाइन शराब बिकी उस पर सवाल उठाता है विपक्ष। या अगर बात करें तो हमेशा विपक्ष के पास एक मुद्दा रहता है शराबबंदी को लेकर। तो इस ओर में अगर हम बताएं तो क्या, जैसे कि आपने भी बताया कुछ दुकानें कम करी, क्या हम लगता है? लोग 2019 में 50 दुकान बंद कर दिए, और 2020 में 49 दुकान बार का बंद किया। हम लोग दारू बंद करने का हमारा घोषणा पत्र में है था, तो इसलिए दारू एक सामाजिक, आर्थिक, किसान, मजदूर, आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। छत्तीसगढ़ एक प्रांत है, सारे प्रदेशों से घिरा हुआ प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, यूपी, ये 20-21 है। अभी हमारे दारू चालू रखने के बाद भी बाहर का दारू बहुत आता है, अभी पकड़ाते हैं। दारू बंद करने से क्या पेट होगा, जनता के ऊपर कितना असर पड़ेगा। अब बिहार में दारू बंद है, वहां 3 लाख से 4 लाख लोग अभी अंदर है। वो तो बड़े लोग तो बड़े मछली तो निकल जाता है, छोटे लोग, गरीब किसान बच जाता है। इसलिए हमारे सरकार ने तय किया है कि मीडिया
बड़े बुद्धिजीवी, व्यापारी, राजनीतिक दल एक होके हम लोग सत्यनारायण शर्मा के अध्यक्षता में, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के अध्यक्षता में कमेटी गठन किया हुआ है। उसमें राजनीतिक दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली मीडिया में चिल्लाते हैं, पेपर में चिल्लाते हैं, वो शामिल नहीं होते। कैसा करना चाहिए ये राजनीति से ऊपर उठकर, ये बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए सबको, हमारा सरकार ने खुला दरवाजा खोला है कि सबको सामने आओ, सबको फीडबैक दो, किस प्रकार इसको बंद करने से असर कैसा होगा। बस्तर में, सरगुजा में 580 क्षेत्र है, वहाँ ग्राम सभा को पूरा अधिकार है। वो ग्राम सभा में क्या प्रस्ताव करना पड़ेगा, सामाजिक स्तर में कैसा होगा। हमारे बस्तर सरगुजा में जहाँ 580 क्षेत्र है, उधर 5 मीटर का आदिवासी को छूट दिया हुआ है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तब से। हम लोग देवी देवता में अलग त्योहारों में मोवा का दारू हम लोग तरपते हैं, उसमें कैसा असर होगा। ये सारे बड़ा लफड़ा है, बड़ा बुद्धि मतलब मामला है, इसलिए गंभीरता से हमारे सरकार ले रही है, हम लोग भी ले रहे हैं। और सब लोग अगर सहमत होगा तो बंद होगा, ऐसा जल्दीबाजी बंद करने से, नोटबंदी का। शराब को लेकर ही बीच में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, ओवर रेट में मिल रही शिकायतों को लेकर, या बाहर से आ रही, जैसे भी आपने जिक्र किया कि बाहर से काफी सारी अवैध शराब पड़ोसी राज्यों से आ रही है, उसकी धरपकड़ जा रही है। ओवर रेट को लेकर हमेशा एक सुखबुकाहट मार्केट में एक परिवार का नाम आता है कि आबकारी विभाग उसके कब्जे में है, या शराब की जो अवैध उगाही है उसकी उसमें संलिप्तता है। कितनी सच्चाई मानते हैं इसमें? ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है, कई कई ओवर रेटिंग होता है, उसको हम लोग जेल भी भेजते हैं, जुर्माना भी करते हैं, पकड़ते भी है पुलिस। बाहर का दर हुआ था तो हम लोग 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं किया, हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बाहर का दर हुआ रहा है तो बॉर्डर में हम लोग चौकी खोला हुआ है, जहाँ जहाँ बचा है अभी उनको सब जगह चौकी खोलेंगे। और दर पकड़ बहुत ज़्यादा हो, अभी हम लोग लगातार पकड़ रहे हैं, रायपुर में पकड़े, महासमुंद में पकड़े, हमारे आबकारी विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग को भी सभी निर्देश दिया हुआ है, एसपी को, थानेदार को, जिस जिस क्षेत्र में अवैध दर बिकेगा थानेदार के ऊपर कार्रवाई होगा, ये निर्देश दिया हुआ है। और जो परिवार की मैंने बात कही, जो मार्केट में आप बातें चलती हैं कि आबकारी विभाग में एक और समुद्र सिंह आ गया है, इस तरह की बातें करना, इन बातों की सच्चाई पर कुछ गौर डालेंगे? राजनीति मुद्दा है, गुजारो प्रतारोपित रहता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। उद्योग भी आपके पास है, उद्योग नीति 1924 सरकार ने कुछ बनाई है, क्या है, कुछ बताना चाहेंगे इस नीति के बारे में? बता दिया हूँ क्या क्या उद्योग बस्तर में होना है, हमारे छत्तीसगढ़ में होना है, रोजगार देना है, वो तो पहले ही बता चुका हूँ। हम वाणिज्य विभाग की बात करें, वाणिज्य में अगर हम बात करें तो रिवेन्यू की दृष्टि से विगत 2 वर्षों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, खासकर की बीच में कोरोना काल भी आया, तो क्या लगता है कि वाणिज्य को लेकर कुछ? हमारे यहाँ रेवेन्यू में पूरा हिंदुस्तान में देखा जाए छत्तीसगढ़ अच्छा है। छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार ने बहुत योजना बनाया, दान करी दी में भारत सरकार का गाइडलाइन है 1868 रुपये देना है। हम लोग उसके आगे जाके देने वाले थे, पिछले साल भारत सरकार ने माना करने के बाद माननीय भूपेश बघेल ने, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ का मुखिया ने, मुख्यमंत्री ने एक नीति बनाया, राजीव गांधी किसान नया योजना, उसके कारण किसान को बहुत लाभ है, इसलिए यह वाणिज्य में ज्यादा घाटा पैदा नहीं है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी राजनीतिक हत्याकांड का आप उसके चश्मदीद गवा रहे हैं, भगवान का शुक्र रहा है उसमें बाल बाल बचे हैं आप। जीरम का जो जांच है वो हर बार बात उठती है, जब जीरम की बरसी आती है कुछ होता है, लेकिन अभी तक इस पे कोई न्याय संगत फैसला या कमेटी कुछ रिपोर्ट नहीं दे पाई, क्या लगता है जीरम की सच्चाई आपके एजेंडे में थी, कब तक आ पाएगा इसका फैसला? ये हमारा सरकार, हमारे गृहमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, इसको गृहमंत्री विस्तार से बता सकेगा। हम लोग कमेटी जो गठन किया है, ये रिपोर्ट हम लोग समय समय पर इसका समीक्षा होता है। अरे बड़ा मामला है, इसको सच्चाई सामने आना चाहिए, ऐसा हमारा सरकार का भी, हमारा पार्टी का भी और खुद का मेरा भी मंशा है। आदिवासियों को लेकर आपके विभागों में कोई योजना या छूट? हमारा आदिवासी के में सबसे बड़ा काम हमारा सरकार किया है,
टाटा का जमीन लोंडीगुड़ा बस्तर में जो आदिवासी का जमीन 5,000 एकड़ का कब्जा किए थे, पैसा भी दिए थे, मोजा भी मिला था उसको, मोजा भी मिला, मोजा भी वापस नहीं करवाया, जमीन भी वापस करवा दिया। इतना बड़ा मुद्दा कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो सकता और किसी देश में नहीं हुआ है, भूपेश बघेल के सरकार में हुआ है। और आदिवासी के बारे में तेंदुपत्ता का रेट हम लोगों को अच्छा दिया है कि पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट नंबर है, 1,000 गड्डी को 4,000 रुपये, ये इन आदिवासी का परंपरा जीवन अर्पण का काम है तेंदुपत्ता, इसलिए हम लोग उसको अच्छा रेट दिए। जर्दा युक्त गुटका या उस पर कुछ प्रतिबंध की बात चर्चा में उठी थी, क्या उस पर कोई कदम बढ़ने हैं? खुला मार्केट में तो चुप चुप के बेचते होंगे, तो प्रतिबंध ही है, मतलब जहरीली चीज किसी को भी खुले में बेचने का अधिकार नहीं। कवासी जी, बस्तर की सल्फी, मतलब खासकर की बस्तर की बियर बोला जाता है उसे, और महुआ जो आप बना जाते हैं कि वो अगर वो नशा देती है लेकिन सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है, इसको ब्रांड के रूप में आगे लाने का कोई प्रयास या आबकारी विभाग की तरफ से कोई कोशिशें हैं? सेल्फी तो बन नहीं सकता, वो प्राकृतिक है, प्राकृतिक जैसा उतरते हैं एक ही दिन में उसको पीना है, बाद में वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन मोवा को बना सकते हैं। मोवा को हम लोग पलन किया है, कोई भी लगाने वाला तैयार हो तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि प्रमोट करेंगे, जैसे गोवा में बन रहा है इसी टाइप का, छत्तीसगढ़ का बस्तर का एक दारू विदेश में भी हो, दुनिया में नाम हो, इसलिए इसको अच्छा करने का काम कोशिश है, कोशिश जारी है, और कोई अगर तैयार होंगे हम लोग को अच्छा मिलेंगे तो उसको जरूर हम करने का कोशिश। स्टील उद्योगों के लिए खासकर आदिवासी क्षेत्र में स्टील उद्योगों की जमीन में काफी बड़ी छूट और उनको फायदा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, कोई योजना लाई गई है इसके लिए? ना तो लाया गया है, लेकिन बस्तर में आदिवासी लोगों का जमीन है तो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार का कोशिश जारी है, अगर बस्तर के बस चाहेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं। दादी, बीच में भाजपा की प्रभारी आई थी, उनका मानना था, उन्होंने 2 साल तो कांग्रेस की सरकार के पूरे हुए, उनका बयान निकल कर आया था कि भाजपा की सरकार की वापसी में 1,000 दिन बाकी हैं, क्या लगता है आपको उनका यह बयान कितना कारगर होगा या जनता आपके कामों को देख रही है? भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, 65+ वाला नारा लगाए थे, कितना सीट जीते, ये तो आधारित बिना आधारित आरएसएस दिमाग से चलने वाला पार्टी है, उसमें छत्तीसगढ़ का जनता 15 साल उनका कार्यकाल देखा है और उनका राजनीति देखा है, तारमटला टाइप का, बड़े बड़े घटना, आदिवासी को 300 घर जलाना, पलन करना, सलवा जुड़ूम चलाना, ये सारे मुद्दा को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल को देखा है। ये बोलने में आसान है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सरकार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा काम करने वाला सरकार है, धान को रेट देने वाला है, किसान बहुत पसंद है कांग्रेस पार्टी के साथ में, आने वाला समय भी कांग्रेस पार्टी का सरकार है। कोरोना काल के बाद एक तरह से पूरे देश में आर्थिक तंगी का माहौल है, युवा हतोत्साहित हैं, किसानों के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ योजनाएं हैं, चूंकि यूथ अब देख रहा है सरकार की तरफ उद्योग को लेकर या जो व्यापार की संभावना है उसको लेकर, इसको लेकर क्या आश्वासन देना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए? हम लोग युवा का इसलिए तो बस्तर में भी उद्योग लगाने का, छत्तीसगढ़ में भी उद्योग लगाने का, 100% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का योजना बनाए हैं, उसमें जितना कारगर होगा वो तो पहले बता चुका हूं। तो ये थे मंत्री कवासी लखमा, जो साफ तौर पर अपनी सिंपल सरल भाषा में जितने कार्य पिछले 2 सालों में हुए छत्तीसगढ़ सरकार के, उनके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। कवासी जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।